पीजीजीटी प्रोजेक्ट संबंधित इस छठवें सत्र में आप सबका स्वागत है। आप लोगों का प्रोजेक्ट अनुमोदित हो करके आ चुका होगा, मतलब आपने अनुवाद परियोजना के लिए जो प्रस्ताव भेजा था उसका अनुमोदन आपको मेल के द्वारा प्राप्त हो चुका होगा। आज मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूँ कि अब अनुमोदन के पश्चात आपको अनुवाद कैसे करना है, क्या क्या आवश्यकताएँ रहेंगी और किस तरह से लिफाफे में डाल के भेजना है। यह सत्र अगर आपको अच्छा लगता है तो अनुरोध करूंगा कि सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी। ये देखिए, इसमें ऊपर लिखा हुआ है MTTP और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लॉयमेंट ट्रांसलेशन, अर्थात आपकी जो परियोजना रिपोर्ट आपने भेजी थी, मतलब जो प्रोजेक्ट का प्रस्ताव आपने भेजा था उसका अनुमोदन होके आ चुका है। अब अनुमोदन के बाद उसमें आपको क्या करना है या और क्या क्या कार्रवाई रहेगी, पूरा विवरण मैं इस पत्र के अनुसार आपको दिखा रहा हूँ और उसके अनुसार ही आपको करना है। आइए शुरू करते हैं इसका। देखिए, यह पहला चरण आप लोगों ने पार कर लिया है, परियोजना प्रस्ताव का निर्माण और प्रस्तुति। परियोजना आपने भेजा और आपको ईमेल से वहाँ से स्वीकृति आ गई। अब इसके बाद देखिए, इन्होंने विशेष रूप से यह दिया है इन विषयों का, जिन लोगों ने नहीं अभी तक किया है वे इन विषयों से इनका चयन कर लेंगे। और अब परियोजना भेजना कहाँ है फिर से देख लें, कार्यक्रम समन्वयक PGDT कार्यक्रम अनुवाद अध्ययन एवं प्रशिक्षण विद्यापीठ मैदानगढ़ी नई दिल्ली, इस पते पर भेजना है स्वीकृति आ जाने के बाद। हाँ, लिफाफे पर भी आपको लिखना है परियोजना प्रस्ताव। यह चरण आपका पूरा हो गया। अब दूसरा चरण में अनुमोदित परियोजना का कार्यान्वयन देखिए लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है चयनित पाठ के स्वीकृत होने के पश्चात आपको अनुवाद परियोजना कार्य को कार्यान्वित करना है, यानी उस पर काम शुरू करना है। काम शुरू करना मतलब उसका अनुवाद करना शुरू करना है। लेकिन यह ध्यान रखिए, इसमें लिखा हुआ है अनुमोदित पाठ का अनुवाद करना होगा और अनुवाद की टिप्पणी लिखनी होगी, यह दो चीज़ लिखना जरूरी है। अनुवाद करने के तरीके में इन्होंने बताया है कि अनुवाद आपको स्वयं और ईमानदारी पूर्वक करनी है। परियोजना वास्तव में आपके अनुवाद का अभ्यास और परीक्षा दोनों का है, तो इसमें ध्यान रखेंगे। अगर आप इधर उधर से चोरी करके भी लिखते हैं तो ऐसा ना हो एकदम गुगलिया वाला भाषा चले, आप उसको अपने भाषा में अपने शब्दों में परिवर्तित करके लिखना शुरू करेंगे। एक चीज और ध्यान रखना है, आपको जो परियोजना अनुमोदित करके भेजा गया है उसके शीर्षक में कहीं भी अगर आप परिवर्तन कर देते हैं तो मान करके चलिए कि फिर आपको लाभ नहीं मिलेगा। इसके बाद मान लीजिए कार्य करते समय अगर आपको कहीं शब्दकोश की जरूरत पड़ी, चाहे जो भी शब्दकोश आप प्रयोग करते हैं उनकी सूची बना लीजिए। उसके बाद जैसे आप परियोजना कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले करना क्या है कि अगर इनमें कुछ कठिन शब्द हैं उन शब्दों को छांट लीजिए, कुछ मुहावरा लिखा हुआ है उसको छांट लीजिए और उनका जो हिंदी पर्याय आपने लिखा है अलग एक रफ पेज पर लिखते चलिएगा, क्योंकि अनुवाद की टिप्पणी में इसको आपको प्रयोग में लाना पड़ेगा। अब जो जो शब्दकोश देखें अर्थात जो जो डिक्शनरी आप देखें उसका विवरण देंगे। उसके अलावा इसमें कहीं कहीं आपने हो सकता है अनुवाद करते समय भावानुवाद का सहारा लिया होगा, कहीं कहीं शब्दानुवाद और कहीं एकदम शब्द से हट के किए होंगे, तो उसका भी विवरण लिखना है। अब मान लीजिए आपने अनुवाद पूरा कर लिया तो इसमें लिखा हुआ है अनुदेश सामग्री को एक बार पुनः पढ़िए। पुनः पढ़ने से आपको गलतियां समझ में आएगी, सेंटेंस फॉर्मेशन ये जो वाक्य विन्यास लिखा है उसको समझना है। अगर कोई और वाक्य ऐसा हो जो समझ में ना आ रहा हो तो उसकी दूसरी बार बार पढ़िए, मतलब उसमें संशोधन करिए। उसके बाद मान लीजिए आपके पूरे पैसेज में कहीं एब्रिविएशंस आए, जैसे मान लीजिए किसी किताब में AIIMS आया हो तो आप उसका भी विवरण लिखेंगे कि यह एब्रिविएशन आया और उसका विस्तार मैंने यह दिया है ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इस तरह का। उसके बाद यह ध्यान रखना है कि आप उसके बारे में ढूंढ लेंगे कि कहाँ इसका विवरण मिलता है, कुछ गलत ना हो। अब इसमें देखिए आगे इन्होंने लिखा है कि आपने अनुवाद में यथावत ग्रहण एडॉप्टेशन मतलब अंग्रेजी के रूप में ही स्वीकार कर लिया है या उसका एडॉप्टेशन किया है, अनुकूलन किया है या उसका सब्स्टिट्यूट, जैसे मान लीजिए कई ऐसे शब्द होते हैं जिनका सही हमें अर्थ नहीं मिलता है तो उसके बदले कोई शब्द लेके आते हैं तो उसको सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। उसके बाद डिलीशन, कई बार वाक्य में ऐसे शब्द होते हैं जिसे हम लेने की हमें ज़रूरत ही नहीं उसे डिलीशन कहते हैं। उसके बाद
कई जगह वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन हम लोग करते हैं, शाब्दिक अनुवाद करते हैं। जैसे ताऊ जी लिखा हुआ है मान लीजिए, तो TAUG TOUG लिख दिया, तो इसको शाब्दिक अनुवाद कह सकते हैं या फिर लिप्यंतरण कह सकते हैं। इसके बाद कुछ भावानुवाद आपने किया होगा, तो जो कुछ भी लिखें इन सब का आप उसमें आपके अनुवाद की टिप्पणी में समावेशन करेंगे। हालांकि अनुवाद की टिप्पणी का एक सैंपल मैंने gully-kucha.blogspot.com पर डाला हुआ है, आपको अगर चाहिए तो मार्गदर्शन के लिए वहां से आप ले सकते हैं, उसमें सारा विवरण दिया हुआ है, तो आप उस तरह से तैयार कर सकते हैं। यह लिखने के बाद अपनी सामग्री को फिर से, अच्छा कई बार क्या होता है हम कुछ नया शब्द गढ़ते हैं, नया शब्द गढ़ने का मतलब है जैसे एक शब्द प्रचलन में चला था बीच में, वह शब्द था पत्तलकार, पत्तलकार यह शब्द किसी ने भी गढ़ा होगा पत्तलकार, हालांकि पत्रकार है तो पत्रकार के बदले लोगों ने पत्तलकार कहना शुरू किया था। अब काफ़ी सोचने के बाद मेरे समझ में आया कि ये जो पत्तल चाटते हैं किसी दूसरे का उसे पत्तलकार कहा जाता है, मतलब भले ही आप पत्रकारिता में हो लेकिन उसमें आप किसी का महिमा मंडन ही करते चलें तो उसे पत्तलकार कहा गया। तो ये नए शब्द गढ़े गए हैं, तो अगर आपने भी वाक्य में कोई नया शब्द गढ़ा है तो आप उसका विवरण देंगे। इसके बाद अनुवाद की टिप्पणी जो आपकी होगी वह लगभग 1500 शब्दों में होगी, 1500 शब्दों से अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं है, और पद्धति में आपको लिखना होगा, कुछ जोड़ना छोड़ना सब कुछ ऊपर मैंने बता दिया, और उसमें फिर आपको उपकरण लिखना होगा, उपकरण मतलब शब्दकोश का प्रयोग किया या ऑनलाइन आपने प्रयोग किया। उसके बाद सांस्कृतिक और तकनीकी कठिनाइयाँ, जैसे सांस्कृतिक का मतलब मैं एक उदाहरण देता हूँ कि पश्चिम बंगाल में लोग हर चीज़ को खाना कहते हैं, आमी खाबो, पानी को भी वो लोग खाने के रूप में प्रयोग करते हैं और सिगरेट को भी या फिर कोई ठोस पदार्थ, लेकिन उसका जब अंग्रेजी में हम अनुवाद करेंगे तो जहाँ खाना है ठोस पदार्थ वहाँ ईट लिखेंगे, और जहाँ सिगरेट वगैरह धुआं पीने की बात है वहाँ स्मोक लिखते हैं, और इसी तरह से जहाँ पीने की बात है वहाँ ड्रिंक लिखते हैं। तो आपका जो यह अनुवाद होगा उसमें इस तरह की सांस्कृतिक कठिनाइयाँ अगर हैं तो आप उसका विवरण भी देंगे। तकनीकी कठिनाइयाँ ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए चैट बोट एक आया है, चैट बोट आप लोगों ने सुना होगा, CHAT BOT चैट बोट, अब तकनीकी रूप में इसको एक नाम दिया गया, उसका हिंदीकरण नहीं हुआ है तो आप ने उसे उसी रूप में ले लिया, तो इस तरह का विवरण आप उसमें देते हुए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद इसमें आपने अनुवाद किया, अनुवाद का प्रस्ताव जो आपने भेजा था उसके अनुमोदन वाला शीट, फिर आपने अनुवाद किया उसका शीट, और उसके बाद आपको कुछ उसमें सर्टिफिकेट लगाने पड़ेंगे। यह ध्यान दें कि टंकित प्रति की फोटो कॉपी, जेरोक्स कॉपी नहीं होना चाहिए, और जो अनुवाद करेंगे फुल स्केच मतलब A4 साइज पेपर में होना चाहिए, और प्रॉपर हाशिया मार्जिन प्रॉपर छोड़ना है। अब ध्यान से देख लें अनुवाद परियोजना जब भेजेंगे तो क्या क्या होगा। सबसे पहले अनुवाद परियोजना प्रस्ताव प्रोफार्मा और स्वीकृति के उपरांत आपको भेजा गया अनुमोदन पत्र, आपको मेल में आया है उसका प्रिंटआउट ले लीजिएगा और प्रोफार्मा के साथ में। उसके बाद अनुवाद परियोजना कार्य की मौलिकता, अनुवाद और अनुवाद की टिप्पणी लेखन कार्य स्वयं करने संबंधित प्रमाण पत्र व स्वहस्तारित हस्ताक्षरित प्रोफार्मा, मतलब उसमें आपको लिखना है, एक प्रमाण पत्र लिखना है कि अनुवाद कार्य मैंने किया है, अनुवाद की टिप्पणी मैंने ही किया है, और वह लगाना जरूरी रहेगा। उसके बाद लगभग 8 से 10 हज़ार शब्दों में चयनित व अनुमोदित पाठ का अनुवाद जो आपने ट्रांसलेशन किया है, अपने अनुवाद संबंधी अनुभव के आधार पर लगभग 1500 मतलब सबसे पहले जो आपने प्रोजेक्ट प्रपोजल भेजा था सबसे पहले उसे लगाना है, उसके बाद जो अप्रूवल आया अनुमोदन आया वह लगाना है, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट लगाना है कि अनुवाद मैंने ही किया, किसी से सहारा नहीं लिया है, ये तीसरा हो जाएगा। चौथा में आपने जो अनुवाद किया वह होगा, और उसके बाद अनुवाद की टिप्पणी पाँचवा डॉक्यूमेंट हो जाएगा, और फिर अनुवाद परियोजना के लिए चयनित पाठ की सुपाठ्य प्रति मूल अथवा फोटोकॉपी, अंत में जो आपने अनुवाद किया है लिया हुआ है उसका आपको फोटोस्टेट कॉपी या जेरोक्स कॉपी, नहीं तो आप पूरी किताब ही भेज सकते हैं, यह लगाना जरूरी होगा। और फिर से देखिए आप लोगों को लिफाफे पर लिखने में दिक्कत होती है तो हिंदी अंग्रेजी दोनों में दे दिया है। टू द रजिस्ट्रार स्टूडेंट इवोल्यूशन डिवीजन, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, मैदानगढ़ी, न्यू दिल्ली, इस पते पर भेजना है। और
आपको लिफाफे पर भी लिख देना है कि आप क्या भेज रहे हैं, ठीक है। मुझे लगता है इतनी जानकारी आपके लिए काफ़ी रहेगी, और कुछ जानकारी अगर आप चाहें तो आप हमारे टेलीग्राम समूह SSC_translator इस पर आ जाइए।